हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक क्लासिकल सीरीज को, GTA San Andreas Grand Theft Auto San Andreas को। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। और पिछले सीरीज पे इतना सपोर्ट मिल नहीं रहा था जो Assassin's Creed के सीरीज हो गया और अभी जो सीरीज हो गया, तो मैं सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। और ये गेम बहुत पुराना है, लेकिन ये इस गेम का ट्रेंड आज तक गया नहीं है। अभी अभी नया डेफिनेटिव एडिशन आया है इस गेम का, तब फिर से इस गेम की बातें चालू हो गई है लोगों के बीच में। मैं पुराना वाला ही खेलने वाला, डेफिनेटाइजेशन फोन के लिए भी आया नहीं है, तो चलो पुराने वाले ही खेलेंगे हम लोग, क्योंकि पुराने में जो बात है वो नए में कहा। फ्रांसिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिबर्टी सिटी 1992, बहुत पहले की बात है ये। सीजे जो था बहुत सालों तक, 5 साल तक अपने घर से दूर रहा, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा में फंसना ही चाहता था। और उसकी माँ की मौत हुई है, तो वो वापस आया अपने देश, अपने वतन, अपने घर वापस आया है। और शहर में आते ही दुश्मनों ने हमको पकड़ लिया है। अरे रे, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, वैसे पकड़ा किस लिए इन्होंने? पैसे भी ले लिए गए हमारे यहाँ पर। भाई अभी तो मैं आया ही, मैंने कर क्या दिया, मुझे पकड़ा क्यों गया यहाँ पर? बैग भी हमारी टैक्सी में छूट गई है। तभी यह सीधे पूरे गेम में बनियान में घूमता रहता है, क्योंकि कपड़े तो उसके टैक्सी के साथ चले गए। तो हमको किसी पुलिस वाले के मौत के इल्जाम में हमको फंसाया जा रहा है, ये पुलिस वालों के द्वारा जो जिन्होंने हमको पकड़ा है। और ये धमकी दे रहे कि हम इनका काम नहीं करेंगे, तो ये हमको उस पुलिस वाले की मौत के इल्जाम में हमको जेल में डाल देंगे। Here we go again. बालास के एरिया जो हमको फेंक दिया है वो लोग। बालास जो हमारी मतलब राइवल गैंग है, मतलब हम जिस गैंग के उसके मतलब अपोजिशन गैंग है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब हमारी दुश्मन है बालास गैंग, और ये उन्होंने उनके इलाके में छोड़ दिया है। तो मेरे को यहाँ से घर जाना है अपने, तो ये बाइक पकड़ लेता हूँ और मेरे को सीजे मार्ग पे जाना है। और ये गेम मैंने बहुत पहले खेला था, तो मेरे को अभी इतना कुछ ध्यान नहीं है गेम में, गेम की स्टोरी सब कुछ एकदम अजीब सा हो गया, कुछ याद नहीं आता। तो मैं वापस से इसको मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, या वापस से खेलने जा रहा हूँ, पुरानी यादें ताज़े करने जा रहा हूँ मैं अपनी, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और यहाँ पर ये बालास गैंग के लोग घूम रहे हैं। मैं 5 साल तक यहाँ पर हूँ नहीं, था नहीं, तो इन्होंने शायद से मेरी शक्ल भूल गए, इसलिए कोई मेरे को कुछ कह नहीं रहा है इधर एरिया में। वैसे मैं अपने हुड में तो आ चुका हूँ, मेरा जो घर है उसके तरफ, यह है हमारा ग्रोव स्ट्रीट होम।
ये रहा मेरी मॉम का घर। इसी घर में जाकर गुंडों ने हमारी मॉम को मारा था। अब हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि हमारी मॉम को मारा किसने था। बिग स्मोक, बड़ा धुआं। मॉम की पिक्चर नीचे कैसे है? नीचे कैसे है? ये इज्जत है मॉम की? मॉम की हमारी डेथ हो चुकी है और इन्होंने मॉम की पिक्चर को नीचे कैसे रखा? पुरानी यादें सीजे को बहुत तड़पाती है। घर में कोई है नहीं क्या? चिल ब्रो, चिल, वी आर होमिस ब्रो, वी आर होमिस। तो सिमेट्री कब्रिस्तान जा रहे हैं जहाँ पर मेरी मोम को दफनाया जा रहा है। आखिरी बार देख ही लेते हैं। ये रही सीजे की मोम की पिक्चर। मैंने छोटे मोटे धंधों से स्मोक ने भी एक बड़ी गाड़ी खरीद ली है जो कि काफी मस्त है दिखने में। और ये स्वीट एंड कैंडल, सीजे के भाई बहन का नाम है ये दोनों। लड़ाई झगड़ा मत करो यार। भाई ब्रो, ये भाई साहब को बहुत गुस्से में लग रहे थे। माँ मर गई ना, समझ सकते हो। डैम, इसकी गाड़ी, यार यार मोटो की गाड़ी ब्लास्ट कर दी इनने। बेचारा, हमको अभी अभी थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी चमका रहा था। और एक क्लासिक मिशन, टीचर सैन एंड्रियास का साइकिल वाला। ओके पीछे वो हमारे आ रहे हैं बालास गैंग वाले। और ये इतना धीरे क्यों चल रहे हो बे भाई? तुमसे आगे तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मेरे को इनको फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा कि मुझे रास्ता पता है नहीं कहाँ जाना है। ये सब जहाँ जाएंगे इनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। सिक सिक सिक। ओ, 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 लग गई मेरे गोली, लग गई। सिक सिक। भागो 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 भागो, पीछे ही है। डैम, नो नो, रुक जाता हूँ, आगे जाओ तुम लोग। उनकी गाड़ी पीछे। नहीं नहीं आई रही, आई रही। रुके हुए क्यों? भागो भाई, उसके पीछे, इसके भाई के पीछे पड़ गई गाड़ी। ओके
भाई गाली बहुत दे इस गेम में। गेम अटक गया, एक भी हो गया वापस। भाई तेज चल ले छोटू, तेज चल ले। रोड में बाइकल राइड पे नहीं निकला है, इधर गुंडे पीछे पड़े हुए हैं। अरे ये देखो ये देखो, अबे गैंगस्टर बे धक्का दे के जा रहे हो तुम मेरे को। भाई गैंगस्टर किसने बताया पहले मैं ये बात बताओ। साइकिल चलानी आ रही नहीं इनके, इतना आराम से साइकिल चला रहे लोग। चल ले छोटू तेज चल ले, कितना आराम आराम से चल रहे। उधर मेरे भाई के पीछे गाड़ी चल गई, गाड़ी पीछे पड़ गई है गुंडों की। आ रहे ना पीछे, और सीट गाड़ी भी आ रही पीछे मेरी। इनके होते हुए भाई ये छोटू इतना धीरे चला रहा है, क्या ही बोलूं। ऐसे मेरा घर तो आ गया है, घुमा दिया उनको वहीं पर। अब देखो अब कैसे तेज भाग रहा है, अब देखो कैसे तेज भाग रहा है वो छोटू। इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। ऐसे ये छोटू भी बहुत, मैं अभी स्पॉइलर नहीं देना चाहता जिनको पता नहीं है कुछ, वैसे सबको तो पता ही होगा, फिर भी मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता इस लड़ाई में। अबे छोटू मेरे को स्टाइल टिप देना चाहता है, फैशन टिप्स देना चाहता है छोटू मेरे को। क्योंकि ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, ये मेरी गैराज है, यहाँ पर मैं छोटी मोटी गाड़ियाँ रख सकता हूँ अपनी। वेलकम टू द हाउस शुड गेट द मार्कर हाउस एंड द कार्स हाउस कार्ल जॉनसन सी जे। इसी बात हमारा फर्स्ट मिशन यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ, रिस्पेक्ट प्लस। तो सीजे ने डिसाइड किया कि वो यहीं पर रहेगा और अपने भाई की मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। उन्हें भाई की मदद करेगा, अपने गैंग को बढ़ाएगा सीजे, ग्रोव स्ट्रीट फैमिलीज को नंबर वन करेगा सीजे अब यहाँ पर रहकर। ये मैडम कहाँ जा रही है नहीं बताएगी, मत बता, चल निकल आ जा। ओ शिट, चाकू चाकू कहाँ लेके घूम रही थी, डैम मार दिए तो। चल निकल, चाकू दे दे अपना, पैसे ही मिल गए इससे थोड़े बहुत। चलो जा, तेरे तेरे काम का मतलब चीज नहीं है। खून हम खून कर दिया यहाँ पर तो। इनके सामने मैंने मर्डर कर देने का कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। वो माँ को गाली, इमोशनल डैमेज कर दिया इसको तो। बेचारा टकला मुंह छिपा के भाग रहा है। चलो ये सब तो होता रहता है, मैं अपने घर में जाता हूँ। और ये सामने फ्लॉपी जैसे दिख रहा है, उस टाइम में ऐसा सेव गेम सेव करते थे GTA गेम। अब के टाइम में मतलब GTA 5 में बता तो पता नहीं, क्योंकि मैंने खेल के देखा नहीं है। तो ओके मैंने गेम सेव कर लिया है, और ये रही मेरी मेरा घर। यहाँ पर मेरी माँ की पिक्चर थी जो उस टाइम रखी थी उसके ऊपर, उसे मोटे ने बेसबॉल बैट भी फेंक दी थी। अब वो पिक्चर तो दिख है नहीं रही मेरी को। और मैं बाहर निकलता हूँ अपने घर के, देखते क्या है मेरे पास करने को। गो एंड सी राइडर, ही लिव्स डाउन द स्ट्रीट। अच्छा वो छोटू का नाम राइडर था, याद आ गया मेरे को देख के। फोन कौन कर रहा है, जरा देखते हैं। तो स्वीट हमारे भाई का फोन आया था,
यही बता रहा था कि चीज़ें बहुत बदल चुकी है इसके जाने के बाद। जो टेंपल ड्राइव फैमिली है और जो बालाज फैमिली है बहुत ही पावरफुल हो चुके हैं ग्रोवसर फैमिली से। तो अब हमको रह के वही सब ठीक करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को, अपने ग्रो सीड फैमिली को ऊपर नंबर वन पे लाना है हमको। यही यही रह के लिबर्टी सिटी तो मैं जाने से रहा, यहाँ पर राइडर के घर के बाहर आ चुका हूँ। देखते हैं इधर क्या है करने को मेरे पास। राइडर ये बंदा अपनी स्वैग में रहता है। किसी को सबक सिखाना चाहता ये भी। ये राइडर की कार बहुत अजीब ही कार है, ऐसा लगता है किसी डिलीवरी मैन से गाड़ी छीन ली इसने, क्योंकि ऐसी गाड़ी तो कोई रखता नहीं होगा अभी अपने पास। मेरे को जाना है अभी बाल कटवाने अपने, वैसे टकला तो हूँ ही मैं पहले से, अब बाल कटवा के क्या ही करूँगा मैं। ये रहा मैं रेसिस बार्बर 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 शॉप, नाम से है ना, रेसिस बार्बर शॉप हेयर फेशियल स्टूडियो। ये रहा मेरा बार्बर शॉप, बाल कटवा लेते हैं। और ये अंकल लगते हैं मेरे को पहले से ही जानते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं कौन कौन से हेयर स्टाइल है। ओके ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, ये फ्लैप टॉप वाला है, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो पर भाई बहुत ही ज़्यादा पैसों का बाल काटा जा रहा है। सबसे सस्ता सेसर वाला, लेकिन वो मेरे पास, मैं पहले से ही वो वाला हेयर स्टाइल लेके घूम रहा तो करवा नहीं सकता। और यहाँ पर आप बाल उगवा भी सकते हो पैसे दे के, जैसे मेरे बाल उग गए जादू। लेकिन ये वाला ऐसे मेरे को ठीक नहीं लगता, ये वाला ठीक है लेकिन, हाँ लेकिन ज़्यादा पैसे लग रहा है। हाई फेड सही रहेगा क्योंकि वो सही बजट में है मेरे। अरे सही है, जोकर लग रहा है सीधे, इसमें कैसा लग रहा है देखता हूँ। ये कूल लग रहा है इसमें थोड़ा, यही रहता है। पैसे की दिक्कत नहीं है, अभी पैसे कमा लेंगे ऐसे झट से, पैसे की दिक्कत नहीं है। एक दो को मारना, पैसे मिल जाएंगे अभी। थैंक यू अंकल, बहुत मस्त बाल काटते हो आप, आई मीन जादू भी करते हो, बाल भी उगा देते अंकल तो, जैसे मेरे उगा दिए। दिन भर सुट्टा पीता रहता है ये। इफ यू डू नॉट ईट यू विल वेट लूज वेट एंड इवेंचुअली, पढ़ने भी नहीं दिए। वैन यू ईट योर एनर्जी एंड ईट मस्ट एनर्जी बिकम फैक्ट। तो ये GTA का पहला गेम था जिसमें हम खाना खा सकते थे। और ऐसा भी गेम है ये जिसमें तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी हेल्थ कम होने लगेगी, तुम वीक पड़ने लगोगे, पतले होने लगोगे, स्किनी होने लगोगे। और अगर खाना ओवर ईट कर लोगे तो मोटे होने लगोगे, और मतलब एक बार में जाके ज़्यादा ही खाना खा लो तो तुम उल्टी भी कर दोगे वहीं पर खाते खाते। लेकिन इसके बाद कोई भी GTA गेम में ऐसा सिस्टम आया नहीं, क्योंकि लोग परेशान हो चुके थे इस सिस्टम से, जैसा ये फीचर है, क्योंकि हमारा सीजे मिशन के दौरान भूखा पड़ जाता है अगर नहीं खिलाओ तो। चलो खा लेते हैं। बस्टर डबल डीलियक्स फुल पैक सैलेड मील, बस्टर दिखाएंगे सस्ता सस्ता सबसे ज़्यादा। चलो 3 प्लेट बस्टर खा लिया मैंने, इतना काफ़ी है, नहीं तो उल्टी कर देगा कई चीज़ें खाते खाते। ये क्या करने लग रहा है इधर, डैम गन क्या यार, इसको लूट के क्या मिलेगा।
भाई ताऊ तो बहुत खतरनाक है ये अंकल, भागो भाई। शॉटगन निकाल लिया, राइडर जैसे लोगों के लिए उसने रखा था शॉटगन। भागो 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 भागो, गंदा मार रहा है ये। ओ ओ ओ ओ, दो गोली लग चुकी है। अरे दीदी हटो यार, मर जाओगी फालतू की। तो ये हमने पहला मर्डर कर दिया सिटी में घुसते ही। That was a car accident, bro. First murder हमारा हो गया यहाँ पर। Bro, shit. होम में तो मार चुका हूँ वापस। पिज्जा बॉय हमारा कुछ नहीं कर सकता। अरे हटो यार, तुम लोग फुटपाथ पे क्यों चलते हो जब सलमान भाई निकले हुए इधर? तो अरे यार, सबको इधर ही मरना मेरे आगे। तो यहाँ पर हमारा मिशन फास्ट हो चुका है और रिस्पेक्ट प्लस हो चुकी है हमारी। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, और आज के एपिसोड में आपको मजा आया तो एक लाइक कर देना, और अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसी GTA San Andreas की गेम प्ले सीरीज वीडियो में। टाटा बाय बाय।